ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति के कथा क्रम में आज कथा विश्वनाथ या विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर है। वाराणसी को काशी भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार काशी शब्द की उत्पत्ति कर्षण से हुआ है। कर्षण कि जो किस व्यक्ति के कर्मों का कर्षण कर लेता है, कर्मों को खींच लेता है, उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देता है, वह स्थान काशी कहलाती है। एक कथा यह भी है कि ये पांच कोसों में इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसे पंच क्रोशी कहा गया और क्रोशी ही बाद में अभ्रंश होकर काशी कहलाया। ऐसी मान्यता है कि यह सृष्टि का सबसे पहला और सबसे आखिरी नगर है। जब समस्त सृष्टि का नाश हो जाता है, फिर भी इसका क्षय नहीं होता है, यह फिर भी स्थित रहता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब भगवान ब्रह्मा फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तब फिर से इसे धरती पर छोड़ देते हैं। इसलिए यह अक्षय नगर है जिसका कभी नाश नहीं होता है। और इस नगर में ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा ने किया था। यह कथा इस प्रकार है। जब निर्गुण परमात्मा ने एक सगुण रूप धारण करने का निश्चय किया, तब वह दो रूपों में प्रकट हुए। पुरुष शिव कहलाया और जो स्त्री रूप था वह शक्ति कहलाई। इन दोनों ने सृष्टि का विस्तार करने का निश्चय किया, लेकिन यह अदृश्य रूप में स्वयं थे। स्वयं अदृश्य रहकर इन्होंने पुरुष और प्रकृति की रचना की। वो पुरुष जो था जिसे विष्णु कहा गया। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी उत्पत्ति करने वाले यानी कि अपने माता पिता को अपने सामने नहीं देखा तो वो संदेह में पड़ गए। उनको इस हालत में देखकर आकाशवाणी हुई और उनसे कहा गया कि तपस्या करें और जिससे ताकि सृष्टि का विस्तार हो। विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तपस्या तो कर लूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा स्थान दिखाई जहाँ मैं तपस्या करूँ। तो उस समय जो अव्यक्त अरूप भगवान थे, उन्होंने पांच कोस लंबा और चौड़ा एक नगर की स्थापना की, जिसे पंच क्रोशी कहा गया। वह नगर सभी तरह की सुविधाओं से युक्त थी। वह नगर आके भगवान विष्णु के समीप स्थित हो गई। भगवान विष्णु उस नगर में तपस्या करने लगे। बहुत दिनों तक ऐसे जब वो तपस्या करते रहे, उनके शरीर से श्वेत जल की धारा प्रकट हुई और यह धीरे धीरे जल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह नगर उसमें डूबने लगा। जब नगर डूबने लगा तो भगवान शंकर ने उस नगर को अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। इधर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा से जगने के बाद उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का संचालन जारी रखा, सृष्टि का विस्तार किया। सृष्टि का विस्तार होने पर भगवान शंकर ने उस नगरी को फिर से धरती पर स्थापित कर दिया और वहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। माना जाता है कि यह भगवान शिव की परम प्रिय नगरी है और यहाँ भगवान शिव और भगवती उमा सदा सर्वदा के लिए निवास करते हैं। और इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है।